तो बहुत लोग परेशान थे, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा मैं गाइड करूं कि इस टाइम पे आपको क्या करना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट में आपके जितने भी मार्क्स आते हैं उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, सबसे पहली बात, क्योंकि जो वहाँ पे आपको मार्क्स आए हैं वो इस बेसिस पे आए हैं कि वहाँ पे जो क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे वो आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट में से फ्रेम हुए थे या फिर वीक पार्ट में से फ्रेम हुए थे। तो क्या ही प्रोबेबिलिटी है कि वही क्वेश्चंस फ्रेम हो गए गेट एग्जाम में भी? क्या गेट एग्जाम में जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसमें से क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा एजम्पशन बनाना ही मत कि आपके उतने ही मार्क्स आने वाले हैं गेट एग्जाम में। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ आपको सस्टेन करना है, सेकेंड चीज़ आपको इम्प्रूव करना है। सस्टेन मतलब क्या करना है कि आपको मार्क्स सस्टेन करने हैं, जितने भी अभी आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स आए हैं उतने ही मार्क्स मैं गेट एग्जाम में लेके आऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। आपको सस्टेन करना है आपका दिमाग में जो भी डेटा प्रेजेंट है, डेटा मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट है किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, वो सस्टेन करना है, क्योंकि गेट एग्जाम कल नहीं है, नेक्स्ट वीक नहीं है, कुछ लोगों के 7 दिन बाद, 8 दिन बाद है, कुछ लोगों के 13 तारीख को है। तो तब तक हमें सस्टेन करना होगा हमारा डेटा जो भी हमारे दिमाग में प्रेजेंट है। हमें न्यू टॉपिक्स के बारे में सोचना नहीं है, हमारा जो वीक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है नहीं, हमारा जो भी स्ट्रांग पार्ट है उसके बारे में सोचना है, उसे सस्टेन करना है गेट एग्जाम तक, ताकि उसमें से अगर क्वेश्चन आए तब मेरे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई थे, उसे मुझे गंवाना नहीं है। पहले मैं हार चुका हूँ मॉक टेस्ट में क्योंकि वहाँ पे वीक कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए गए थे, पर ये चांसेस भी है कि गेट एग्जाम में जो मेरा स्ट्रांग पार्ट है उसमें से ही क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सस्टेन करो। सस्टेन कैसा करोगे? रिवीजन करो अपने शॉर्ट नोट से, रिवीजन करो अपने मेन नोट से, जो भी आपके सब्जेक्ट्स वीक है उसे रिवाइज करो मेन नोट से, जो भी आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसे रिवाइज करो अपने शॉर्ट नोट से। इस तरीके से आप सस्टेन कर सकते हो अपना डेटा जो भी प्रेजेंट है आपके माइंड में गेट एग्जाम तक। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, न्यू टॉपिक्स कर पढ़ने के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैराथन में जाके भागने की ज़रूरत नहीं है। IIT JEE वाली एग्ज़ाम नहीं हो रही हमारी, हमारी एग्ज़ाम है गेट एग्ज़ाम। लोग विदाउट प्रिपरेशन भी रैंक निकाल के आते हैं, क्यों लेके आते हैं? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम है, ये टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में एग्ज़ाम नहीं है, ये इतना हार्डवर्किंग के बारे में एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे अप्लाई कर पाते हो कि नहीं। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैराथन में नहीं भागोगे तो भी जीत सकते हो, मैराथन वाला रेस ही नहीं है ये, समझ में आ रहा है? मैराथन वाला रेस ही नहीं है ये। 71 रैंक जिसने निकाला था कल्याण, उसका 700 रैंक आया था मॉक टेस्ट में, फाइनल मॉक टेस्ट में, फिर भी उसका 71 रैंक आया गेट एग्ज़ाम में। 6 महीने प्रिपरेशन करी थी बस, 6 महीने की प्रिपरेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट में 71 रैंक लाया है। क्यों लाया? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम है, उस एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हुए उसके स्ट्रॉन्ग पार्ट में से फ्रेम हुए हैं, टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे वो वीक पार्ट में से फ्रेम हुए थे। जैसे उसके स्ट्रॉन्ग पार्ट में से क्वेश्चन फ्रेम हुए उसने आसानी से सारे क्वेश्चंस क्रैक कर दिए, क्योंकि उसके दिमाग में उसने सस्टेन किया था वो सारा स्ट्रॉन्ग पार्ट। अब बात करते हैं कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करनी है, आपको इंप्रूव करना है। इंप्रूव कैसे करोगे? मॉक टेस्ट देते देते करोगे कि अभी 10 मॉक टेस्ट और दोगे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंप्रूव करना है, अपने जो भी आपके सिली मिस्टेक्स हो रहे थे वो आपको आपके रिपीट नहीं करने गेट एग्जाम में। सिली मिस्टेक्स लिख के लो अपने बुक में, अगर अभी तक आपने लिख के नहीं लिया है तो मॉक टेस्ट खोलो और देखो वहाँ पे आपके क्या क्या सिली मिस्टेक्स हुए थे, क्योंकि सिली मिस्टेक्स का एक पैटर्न होता है जो हम रिपीट करते हैं बार बार। हमारी एक बुरी आदतें होती है ना जो हम रिपीट करते हैं बार बार, वैसे आपके सिली मिस्टेक आपकी एक बुरी आदतें हैं, उन्हें रिपीट नहीं करने देना अपने गेट एग्जाम में। तो सस्टेन करना है, इम्प्रूव करना है, ये दो ही चीज़ कर सकते हो अभी आपके बचे हुए टाइम में। किसी दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहना रिवीजन के लिए, रिवीजन के लिए बहुत सारे वीडियोस आएंगे पर वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम नहीं होगा। कितना कम टाइम बाकी है यार, अभी भी हम दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। पहले हम कंप्लेन कर रहे थे कि क्लासेस वाले दिसंबर में सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं, और अभी जब भी हमारे पास टाइम है, अभी हमने खुद का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, तो अभी भी हमें रिवीजन सामने वाले के भरोसे ही करनी है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है, खुद से पूछने की कोशिश करो क्या मैं इससे बेहतर रिवाइज कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, आप वहाँ पे इसलिए जा रहे हो ताकि वहाँ पे कुछ नया सीखने मिले, पर जो नया सीखने मिलेगा उस पर आपका फोकस होने ही नहीं चाहिए। आपका फोकस कहाँ पे होने चाहिए? जो चीज़ मेरी हो चुकी है, जो चीज़ मुझे आती है, जो चीज़ में मैं स्ट्रांग हूँ, वो मुझे सस्टेन करना है, वो मुझे अप्लाई करना है करेक्टली गेट एग्ज़ाम में। ये सारी चीज़ों के बारे में सोचो, आपको और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और आपका बहुत ही बेहतरीन रैंक आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? जस्ट बिकॉज आपके मॉक टेस्ट में मिस्टेक्स हो रहे थे,
अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सभी के लिए, सभी लोग एकदम कान खोल के सुनना, मैं जो भी चीजें बताता हूँ ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स आते थे, अगर हमें पता था कि मैं आसानी से स्कोर कर लेता हूँ, मैं जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ वो आसानी से अप्लाई कर देता हूँ, तो मैं ना आपको रिकमेंड ही नहीं करता मॉक टेस्ट देने के लिए। मैं आपको बोलता डायरेक्टली गेट एग्जाम दे दो, क्योंकि आप आसानी से अप्लाई कर देते हो ना, आपके लिए तो क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम हलवा है, आप डायरेक्टली गेट एग्जाम दे दो। पर किसी ने तो ऑब्जर्व किया होगा कि कॉन्सेप्चुअल जो एग्जाम है ना, टेक्निकल जो एग्जाम है ना, उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए उन्होंने बोला होगा कि आप ना मॉक टेस्ट का सीरीज निकालो, 10 मॉक टेस्ट का सीरीज निकालो, 15 मॉक टेस्ट का सीरीज निकालो, उसमें से लोग 4-5 भी अगर दे देंगे, 7-8 भी दे देंगे, तो उन्हें अपने मिस्टेक्स पता चलेंगे, तो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे गेट एग्जाम में। तो सभी को पता था कि उनके गेट एग्जाम में मार्क्स आसानी से नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने बोला कि आप मॉक टेस्ट में वो जो भी मिस्टेक, जो भी उनके गेट एग्जाम में मिस्टेक होने वाले हैं ना, उन्हें पहले ही पता करने दो। तो हमें पता है ये जो आपके साथ हो रहा है ना, वो हमें पता है कि ये होता है, और ये आपको भी पता होने चाहिए, इसलिए आपके आपको बताया जाता है कि आप मॉक टेस्ट दो। पर गेट एग्जाम में आपके मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भी आपके हाथ में, आप कितना ज़्यादा अपने खुद को मेंटली तैयार करते हो, कितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, अपने मिस्टेक्स इंप्रूव करते हो, उस पर डिपेंडेंट है। और डायरेक्टली मार्क्स आते तो मैं बोलता आपको मॉक टेस्ट दो मत यार, क्यों टाइम वेस्ट करो, डायरेक्टली गेट एग्जाम दे दो ना, अगर डायरेक्टली मार्क्स आते तो सभी को पता है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो किन कुछ बच्चों के आते भी है, तो अगर मॉक टेस्ट नहीं देते तो भी उनका बात चली जाता था, पर हमारे मार्क्स नहीं आते हैं इसलिए हमने मॉक टेस्ट में मार्क्स देखे हैं, और अभी हम अपनी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे गेट एग्जाम में। तो मैं इतना ही अपना कन्वर्जेशन आपके साथ रखना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको मेरी पर्सनली हेल्प की होगी तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी होगा, मुझे मेल करो अपनी प्रॉब्लम, और जितना भी मुझे लगेगा कि मुझे आपसे फीस मुझे मांगनी चाहिए आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, मैं आपको बता दूंगा। अगर पॉसिबल होगा तो हम बात कर लेंगे, नहीं पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो में भी आके बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात है नहीं, वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। पर फिर भी अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करना है, नीचे मेल आईडी है, मुझे मेल करो। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, टिल देन बाय। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे 4000 फॉलोवर्स हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट डाले हुए हैं, वो सारे पोस्ट आप जाके देख सकते हो। कुछ टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड है कि आपके गेट एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में क्यों डिफ़िकल्टी फेस करते हो, कुछ मेरे पर्सनल है, कुछ टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड है, कुछ एमटेक के रिलेटेड है, कुछ वीडियोस हैं जहाँ पे मैं एमटेक, तो ये सारे वीडियोस आप जाके देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जाओ मुझे जाके फॉलो करो, और आप मेरे लाइव सेशन में भी ज्वाइन हो सकते हो, मैं एक वीक में 4 टाइम्स तो लाइव आता ही हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और काफ़ी सारे आपके डाउट्स पूछ सकते हो।